चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे दिल्ली, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस वार्ता कर रहे हैं मोदी कैबिनेट के फैसलों को लेकर। संबंधित काम हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, हर्बल खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, इन सब के लिए भी प्रावधान किया गया और इसका निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती के क्षेत्र को फायदा होने वाला है। अभी अल्पावधि ऋण कृषकों के पास 8 लाख करोड़ का है, यह आने वाले वर्ष में 15 लाख करोड़ होएगा, इस बात का भी प्रबंध किया गया। नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में 90,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष निवेश करता था, लेकिन कोविड संकट को देखते हुए इस बार वह 30,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगा, यह भी सरकार ने सुनिश्चित किया। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को माना जाए, ये मांग लंबे समय तक किसानों की रही, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद MSP पर, जो लागत पर MSP 50% मुनाफा देकर की जाए, इसको साल में 2 बार घोषित करते हैं। उस दिन खरीफ की MSP घोषित की गई थी और MSP पर भी रिकॉर्ड खरीद आज देश में हुई है और आने वाले कल में भी MSP पर यह खरीद जारी रहेगी। दूसरा, अभी प्रकाश जी ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया जा रहा है, यह भी निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि कृषि के क्षेत्र में, मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जब इस बात की घोषणा हुई थी तो कई जानकार लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो उसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन किसानों को आज़ादी अब इस अध्यादेश के माध्यम से मिलने जा रही है, इतना बड़ा महत्व इस ऑर्डिनेंस का है। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की एक कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जाए। मंडियां रहेंगी, राज्य का APMC एक्ट रहेगा, लेकिन APMC की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, FPO, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहाँ से माल खरीदेगा, मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहाँ पर ट्रेड हो सकती है और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इससे निश्चित रूप से किसानों को एक तो अपने उत्पादन को कहाँ बेचना, किसे बेचना, किस दाम पर बेचना, इसकी स्वतंत्रता और आज़ादी मिलेगी, और दूसरी तरफ आम तौर पर मंडी में जितने लाइसेंसी व्यापारी होते हैं, एक मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाइसेंसी होते हैं, जब ये खुलाव आ जाएगा तो इसमें कीमतों की प्रतिस्पर्धा में 30 की जगह 300 लोग आएंगे और जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी वह निश्चित रूप से किसान के लिए फायदेमंद होगी।
इस में यह भी प्रावधान किया गया है कि बहुत सारी कानूनी अड़चने न हों, किसी प्रकार का इंस्पेक्टर राज न आए, क्योंकि मंडी से बाहर निकलेंगे प्रतिबंधों से फिर कोई दूसरा इंस्पेक्टर आ गया तो इससे भी बचाव रखा गया। इसलिए किसी के पास अगर पैन कार्ड है तो वह भी व्यक्ति खरीद कर सकता है, एफपीओ खरीद कर सकते हैं, कॉपरेटिव सेक्टर के पैक्स वगैरह भी खरीद कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड अगर होगा तो निश्चित रूप से वो लोग खरीद कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति ई प्लेटफॉर्म बना सकता है। ये ई प्लेटफॉर्म जो है बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसके नियम केंद्र सरकार बनाएगी और उसका हिसाब किताब भी केंद्र सरकार रखेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और गड़बड़ करेगा तो उसको सुनवाई करना और उसको दंडित करना, उसको ट्रेड से बाहर करना, ये निर्णय निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी। कृषि उत्पादों के इस प्रकार के व्यवसाय पर कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। यदि ट्रेडर और किसान के बीच में कोई विवाद की स्थिति बनती है, सामान्य तौर पर हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि किसान को हाल के हाल पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर किसी स्थान पर प्रक्रिया में कोई देर लगने वाली है, जैसे मान लो उसने चेक दिया और आज शुक्रवार का दिन है तो शनिवार और रविवार बैंक बंद रहेगी तो उसका पेमेंट सोमवार को ही मिलेगा, तो ऐसी परिस्थिति हमने कहा है कि तत्काल अथवा 3 दिन, और 3 दिन में उसको भुगतान करना ही होगा। लेकिन जिस समय उत्पाद की डिलीवरी होगी तो खरीदार व्यक्ति को उसको रसीद देना